Dear student, today we are taking the topic A World Economy Take Place. एक वर्ल्ड इकोनॉमी जो है किस तरह से आकार ले रही थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरह से आकार ले रही थी, दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू। एक गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द फूड प्रोडक्शन, और एक ये गुड प्लेस स्टार्ट करने के लिए कि दुनिया में किस तरह से फूड प्रोडक्शन का पैटर्न वो चेंज रहा था एंड कंजप्शन और खपत का इन इंडस्ट्रियल यूरोप में किस तरह से फूड प्रोडक्शन और कंजप्शन का पैटर्न जो है वो चेंज रहा था। दैट वाज अ प्लेस फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। परंपरागत रूप से देश जो है वो कोई भी जनरल कॉमन पीपल्स जो है वो इन द मैटर ऑफ द फूड ही वांटेड टू बी सेल्फ सफिशियंट। बट इन द 19th century, लेकिन 19th century यूरोप में सेल्फ सफिशियंस इन फूड की फूड में सेल्फ सफिशियंसी होने का मतलब लॉयल लिविंग स्टैंडर्ड सोशल कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटेन के अंदर। वाई वाज इट दिस सो, ऐसा क्यों था? पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th century हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। When the populations of Britain were increasing, there were a lot of demands for food grains in Britain. Demand food grains की बढ़ रही थी as urban centers expands, क्योंकि जर्मन से अर्बन सेंटर जो थे वो बढ़ रहे थे एंड इंडस्ट्रीज ग्रो, और इंडस्ट्री भी जो है वो एस्टेब्लिश हो रही थी और दे आर आल्सो फ्लोरिशिंग, वो फ्लोरिस हो रही थी। द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप, इससे जो है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जो है वो बढ़ रही थी। इट पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइस, और इसने जो है फूड ग्रेन के प्राइस को बढ़ा दिया। अंडर प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप के प्रेशर के कारण द गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ द कॉर्न। गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न जो है वो रोक दिया। द लॉ अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस, जो कि नियम गवर्नमेंट को इस काम करने से रोकता था, इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न से रोकता था। दैट लॉ और रेगुलेशन इज कॉमन वाज कॉमनली नोन एज कॉर्न लॉ, इसको कॉर्न लॉ कहा गया। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइस से नाखुश होकर इंडस्ट्रीस्ट और अर्बन ड्वेलर्स जो थे दे माउंट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एबलिश द कॉर्न लॉ। इंडस्ट्रीस्ट और जो अर्बन रिसाइडर थे वो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो जो है कॉर्न लॉ को जो है ख़त्म करें। आफ्टर द लॉ कॉर्न लॉ वाज स्कैप्ड, व्हेन कॉर्न लॉ को स्कैप किया गया, काटा छाटा गया, अमेंड किया गया, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इन टू द ब्रिटेन। फूड को अब जो है ब्रिटेन में इम्पोर्ट किया जाने लगा चीपली, इन्हें लोअर प्राइस, देन इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जो कंट्री में जो कॉर्न पैदा होता था वो दैट वॉज अ कॉस्टली इन कंपेरिजन ऑफ द कॉर्न प्रोड्यूस और इम्पोर्टेड फ्राम द आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड कंट्री। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट। ब्रिटिश एग्रीकल्चर जो थी वो इसको कम्पीट करने में असमर्थ थी। वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, और बहुत सारे एरिया जो थे वो उनको अनकल्टिवेटेड रखा गया। एंड थाउजेंड ऑफ मैन एंड वुमेंस वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क, थाउजेंड मैन और वोमेन जो है उनको आउट ऑफ वर्क रखा गया। जो है अनकल्टिवेटेड मैन और वोमेन्स इन ब्रिटेन बिकम द अनएम्प्लॉयड, दे फ्लॉक द सिटीज, वे सिटीज की तरफ गए, और दे आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम ब्रिटेन टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एज फूड
प्राइस फैल्स कंजप्शन ब्रिटेन्स रोज, कभी फूड के प्राइस जो थे वो कम हो गए थे, इसलिए ब्रिटेन में जो है कंजप्शन कम हो गई थी। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन आल्सो लेड टू द हायर इनकम। मिड 19th सेंचुरी से इन फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ब्रिटेन में इनकम जो है लोगों की बढ़ गई थी, एंड देयरफॉर सम मोर फूड इम्पोर्ट, और उसकी वजह से जो है फूड इम्पोर्ट ब्रिटेन में किया जाने लगा। व्हेन द इनकम ऑफ द पीपल्स वर इंक्रीज्ड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोर्ट द कॉर्न्स इन ब्रिटेन से अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, इन ईस्टर्न यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, लैंड वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश रिक्वायरमेंट, ब्रिटिश डिमांड। ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में जो है लैंड वर्क क्लियर, लैंड को क्लियर किया गया फॉर द सेक ऑफ द फूड प्रोडक्शंस दैट वाज ए रीजन इन ब्रिटेन, जो ब्रिटेन में बढ़ रही थी, ब्रिटेन में जो है फूड डिमांड्स की मांग बढ़ रही थी, इसलिए जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड द लैंड वर्क क्लियर एंड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड इन दोज कंट्री। इट वॉज नॉट एनफ मेयरली टू क्लियर लैंड सो फॉर एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर के लिए लैंड को ही क्लियर करना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि रेलवे वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट। लेकिन रेलवे की आवश्यकता थी एग्रीकल्चरल रीजन से लेकर पोर्ट तक, सो दैट द फूड ग्रेन कुड बी ट्रांसपोर्टेड। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट, नए हार्बर बनाए गए एंड ओल्ड वन एक्सपेंडेड, और पुराने को एक्सपेंड किया गया टू शिफ्ट द न्यू कार्गो, नए शिप के लिए एक्सपेंड किया गया, और ओल्ड वन जो था उनको एक्सपेंड कर गया, सो दैट न्यू कार्गो मस्ट बी शिफ्ट। पीपल्स हैड टू सेटल ऑन द लैंड, लोगों को जो है उन ज़मीन पर बसाया गया टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन, जो क्षेत्र जो है कल्टिवेशन के अंतर्गत लाए गए थे। दिस मीन्ड बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट, इसका मतलब ये था कि इफ द पीपल वर गोइंग देयर इज रिक्वायरमेंट इन बिल्डिंग द होम्स एंड सेटलमेंट देयर, उनके लिए घरों और बस्तियों को बनाने की भी ज़रूरत थी। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्म्स रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर, और इन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए, घर बनाने के लिए, सेटलमेंट्स बनाने के लिए, इसके लिए पैसे की और लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम द फाइनेंशियल सेंटर्स, और नाउ जो पूंजी थी दैट वाज फ्लोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज द लंदन, लंदन से वो फ्लो होने लगी। द डिमांड फॉर द लेबर्स इन प्लेसेज वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई, और लेबर की डिमांड भी बहुत उन जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी जहाँ पर लेबर बहुत कम थी, एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, और जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो थी, लेड टू द मोर माइग्रेशन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुआ। नियरली 50 मिलियन्स पीपल्स माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लगभग 50 मिलियन पीपल जो थे यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए माइग्रेटेड हुए इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सम ऑफ द 150 मिलियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम, पूरी दुनिया में जो है 150 मिलियंस पीपल्स ने ऐसा माना जाता है कि अपने घर छोड़ दिए, दे क्रॉस द ओशियन, उन्होंने ओशियन को क्रॉस किया एंड वास्ट डिस्टेंसेस, एंड दे आल्सो कवर द वास्ट डिस्टेंस ओवर द लैंड, और उन्होंने ज़मीन पर जो है बहुत बड़े वास्ट डिस्टेंस को कवर किया इन सर्च ऑफ ए बेटर फ्यूचर की तलाश में।